सभी को लग रहा था कि अब लाइफ सेट है। बैंगलोर में जॉब लग गया, सीए कंप्लीट, जेवियर से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिल गई, यंगेस्ट सीए बन गया है यूनिलीवर साउथ अफ्रीका में, इसने ऑडिट कर ली, पहला अब्रॉड जॉब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अंदर ही अंदर एक चीज अभी भी खाई जा रही थी, मैं खुश नहीं था। आई वॉज अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स कोलकाता में थे, मेरे होम टाउन में, और मैं अकेला बैंगलोर में जद्दोजहद कर रहा था। एक ही अब चीज जो कमी थी वो अब धीरे धीरे और साक्षात रूप से क्लियर होने लग गई, वो थी पेरेंट्स की कमी। मुझे कोलकाता वापस जाना था, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से मुझे कोलकाता वापस जाना था। आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन देन टू क्विट माई जॉब। 6 महीने के अंदर मैंने अपना बैंगलोर का जॉब छोड़ दिया और मैं वापस अपने होम टाउन कोलकाता आ गया। कोलकाता आना पहले कुछ दिनों के लिए बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं वापस अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स के पास आ गया। बट कोलकाता तो आ गया, अब करूं क्या? कोई जॉब भी नहीं है मेरे पास और हमारा कोई वेल सेटल्ड बिजनेस भी नहीं है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, मुझे अपने बलबूते पर कुछ करना था। अब करूं क्या, ये सवाल दिन रात मुझे सता रहा था। मैंने सोचा चलिए कोलकाता में ही अपना जॉब सर्च शुरू करता हूं।